नमस्कार। भारत की बेटियों ने देश का नाम हर क्षेत्र में रोशन किया है। स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो अब लड़कियों का अगर प्रदर्शन की बात करें तो बहुत बढ़ता जा रहा है और नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरे भी हैं जो देश को एक ग्लोबल स्केल पर प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कविता देवी, नाम ही शायद इनका इंट्रोडक्शन है और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी रेसलर जिन्होंने भारत के अखाड़ों से WWE का सफ़र तय किया है। बात करते हैं उनसे, उनकी जर्नी के बारे में और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। वेलकम मैम, तो बताइए अपना अभी तक का जर्नी के बारे में। अभी तक की जर्नी, आप जो मुझे देखते हैं कि आज मैं WWE में हूँ, भारत की पहली महिला, तो ये कोई सफ़र मेरा एक दिन या दस दिन या दस साल का भी नहीं रहा है, ये बहुत लंबा सफ़र रहा है। और इस सफ़र के बीच में एक लड़की होने के नाते बहुत सारी मुझे सामाजिक विरोध का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन जो लोगों की सोच थी उस सोच के खिलाफ मैंने काम किया है और मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहा है। बहुत लोगों ने मेरे परिवार को भी बोला है कि भी लड़की है, लड़की के ऊपर क्यों आप इतना खर्च कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, शादी के बाद ये तुम्हें तो कुछ देगी नहीं, पति के घर भरेगी, ये सब सारी सोच जो लोगों की होती है। लेकिन मेरा जो परिवार था, मेरे जो भाई हैं मिस्टर संजय दलाल, उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि कविता, अगर तू शुरुआत कर रही है तो उसको अंत तक इसमें सक्सेस होके तुझे दिखाना है, और जो लोग लड़का लड़की में भेदभाव रखते हैं, सोच रखते हैं, उस सोच को तुझे बदलना है। और आज मैं समझती हूँ कि WWE के प्लेटफॉर्म पहुँच कर बहुत लोगों की सोच बदली है और बहुत सारी लड़कियां घरों से बाहर निकली हैं और वो खुद चाहती हैं कि हम भी कविता की तरह WWE में जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। रेसलिंग की बात करें तो रियो ओलंपिक में भारत को एक मेडल मिला था जो साक्षी ने दिलाया, रेसलिंग में ही दिलाया था। उस रियो में और कोई मेडल रेसलिंग से नहीं मिला था भारत को, थोड़ी सी हर किसी को हैरानी हुई थी। लेकिन साक्षी के आने के बाद से क्या आपको लगता है और ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं फीमेल रेसलर्स के लिए? बिल्कुल, लड़कियों ने अपने आप को हर क्षेत्र में साबित किया है और लोगों की मुंह पे तमाचा भी मारा है जो लोग फ़र्क करते हैं। सो लड़कियों ने खुद से हालातों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची हैं और जब हम किसी ऐसे प्लेयर को, सक्सेस प्लेयर को देखते हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ मोटिवेट होती हैं, उनके मन में भी सपने जगते हैं कि हम भी इनकी जैसी बने, उनका जो लाइफस्टाइल देखती हैं उनके मन में भी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे बने, ऐसा करें। सो ये हकीकत है कि लड़कियाँ इससे प्रेरित होती हैं। आपका कुछ मैसेज है लड़कियों के लिए, क्योंकि आपने एक दरवाज़ा खोल दिया है WWE जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने? बिल्कुल, मैं पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को, अपनी छोटी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आप सपनों में देखते हैं और सोचते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो चीज़ आज आपके दरवाजे पे WWE खुद मार्च में मुंबई चल के आ रहा है और आप ट्राई आउट लेने के लिए आ रहा है। सो ये जो दरवाज़ा है ये सिर्फ हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए खुला है। स्पेशली मैं चाहूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को आना चाहिए और अपने आपको प्रूफ करना चाहिए। ट्रायआउट से न सिर्फ महिला रेसलर्स, इनफैक्ट जो मेल रेसलर्स हैं उनके पास भी एक ऑप्शन आ जा रहा है एक कि वो अब अपना टैलेंट ग्लोबल स्टेज पर ले जाए। ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ओवरऑल भारतीय रेसलिंग के लिए? ये वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म है। इसमें अब जैसे मैं USA में रहती हूँ, वहीं पे ट्रेनिंग करती हूँ, सो वहाँ पे जाके आपको महसूस होता है कि इसकी अहमियत क्या है, आपकी खुद की अहमियत क्या है। सो वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे खड़े होके जब आपकी कंट्री का नाम अनाउंस होता है, सो वो चीज़ आपको इतना प्राउड फील करवाती है कि आपको लगता है कि सिर्फ इस नाम के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मैंने भी अपने बच्चों को अलग रख के, फैमिली से दूर रह के, मैं वहाँ पे सिर्फ कंट्री के लिए वहाँ पे पहुँचना सिर्फ मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मैं WWE में भारत की पहली
वुमेंस चैम्पियन भी बनूँ, और जिससे मुझे देखकर लड़कियां और भी ज़्यादा इंस्पायर हों, लड़कियों की हालत में सुधार आए, और जो परिवार के दिमाग में जो रहता है लड़की के लिए, उन लोगों की सोच बदले। आपने बात की, अब 2 साल लगभग आपको WW में हो चुके हैं, लेकिन अभी मेन इवेंट में या रोस्टर में आप नहीं आते हो, आप अभी फिलर्स में आते हो, तो आगे का कितनी जल्दी हम आपको देख सकते हैं मेन इवेंट्स में? देखिए, ये आने वाला समय आपको बताएगा। मेरा जो काम है प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, जी तोड़ के मैं अपना 100% मेहनत करती हूँ, और बहुत ही जल्द आप लोग देख पाओगे। परफॉर्मेंस सेंटर में आप ट्रेनिंग करती हो, आपको एटमॉस्फियर वहाँ पे कैसा लगता है? क्या लेजेंड्स जो गेम के हैं आपको वहाँ देखते हैं, उनसे आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है, उनसे बात करने पे वो क्या बताते हैं? देखिए, वहाँ पे वो जो माहौल है, जो परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पे जितने भी टीवी स्टार हैं सब लोग वहाँ पे एक साथ हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, बहुत अच्छी बातें वो लोग बताते हैं, बहुत कुछ नया उनसे सीखने को मिलता है, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है, आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि आप मतलब अकेले हैं, या मैं ये सोचने लगूं कि मैं इंडिया से अकेली हूं तो मैं अकेला फील करूं। नहीं, वो इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं आपको, चाहे कोचिज हैं, चाहे आपके साथ के एथलीट हैं। सो बहुत ही अच्छा, एक परिवार की तरह वहां पे हम लोग रहते हैं। जिंदर महल से कॉन्वर्सेशंस होती हैं, क्योंकि वो भी एक भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, तो वो कैसा, क्या गाइड करते हैं आपको? वो हमेशा मुझे एक ही बात बताते हैं, रेसलमेनिया में भी हमारी बात हुई थी। सो मुझे हमेशा एक बात बताते हैं कि कविता, आप इंडिया की पहली महिला हो, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे अपने आप को साबित करके दिखाओ, इंडिया का नाम रोशन करो। हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुझे देख कर बहुत सारी लड़कियाँ मोटिवेट होंगी और उन्हें रास्ता मिलेगा। सो हमेशा वो पॉजिटिव बातें करते हैं। आपने हमेशा खली के लिए बोला है कि वो आपके इंस्पिरेशन है, और अब बात होती है तो अब वो क्या कहते हैं आपसे? वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं, उनका भी जो सपना था कि मैं भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ग्रेट खली और ग्रेट खलियाँ निकालूं। सो जब मैं उनकी स्टूडेंट वहाँ पे जाती है तो उनको गुरु होने के नाते बहुत प्राउड फील होता है। सो बहुत खुश हैं वो आज, वो उन्होंने मुझे खुद इनवाइट भी किया था अभी जब मैं आई थी। आप ट्रेडिशनल अटायर पहनती हैं, तो क्या थॉट था उसके पीछे? इसमें मेरा बहुत गहरी सोच थी कि जो हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, और WWE हम देखते हैं, सो वहाँ पे फीमेल रेसलर जो है बहुत छोटे कपड़ों में होती हैं। सो हमारे लोग भी सोचते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही होती है रेसलिंग, लेकिन जब मैं गई तो मैंने अपने कल्चर को चुना, अपने सूट सलवार को चुना, किसी का प्रेशर नहीं था, ये सिर्फ मेरी खुद की सोच थी कि मैं वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पर अपना कल्चर को शो करूं, उसको रिप्रेजेंट करूं, और जिसको देख के बाकी लड़कियों को अगर वो आना चाहती हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी फैमिली ये ना बोले कि भैया आप ये नहीं कर सकते, ये ऐसे होता है। सो आज वो ऐसा बिल्कुल बंधन नहीं है कि आप उसी में ये होगा, सो आप सूट सलवार में जाके भी रेसलिंग कर सकते हो, ये लड़कियों के लिए बहुत आसान हो गया है। अगले 2 साल में हम कविता देवी को कहाँ देखते हैं, रॉ, WWE या NXT? रॉ जी, हर किसी का सपना बड़ा होता है, सो मेरा भी सपना सिर्फ चैंपियन बनने का है। अच्छा, ट्रायआउट्स मार्च में होने वाले हैं, कुछ आपको मैसेज देना है युवाओं को? अरे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा सुनहरा मौका हमारे दरवाजे खुद चल के आया है, अगर आप लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हो तो ये सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी होगी और आपका दुर्भाग्य होगा। आपको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, और दूसरी बात इसमें ये भी नहीं है कि आपको रेसलिंग आती हो तभी आप ट्राई आउट दे सकते हो, आप किसी भी गेम से हो, चाहे आप वॉलीबॉल करते हो, चाहे आप रनिंग करते हो, या जूडो, कुछ भी करते हो, आप इसमें आके ट्राई आउट दे सकते हो। आपने बताई है जो हाईलाइट की जानी चाहिए कि ना सिर्फ रेसलर्स, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की पावर की जरूरत हो। आपका कोई एक ड्रीम मैच जो आपने सोचा हो किसी खिलाड़ी के साथ रेसल करने का?
बिल्कुल रोंडा राव जी जी, मैं उनके साथ हाँ क्योंकि आज वो जो हैं WWE में बिल्कुल दमदार खिलाड़ी के तौर पे हैं, सो मैं लोग उनको बहुत ज़्यादा वो देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, सो मैं भी उनके साथ फाइट करना चाहूँगी। मैं हालांकि मैं उनको बहुत पसंद भी करती हूँ, लाइक करती हूँ, लेकिन मेरी ड्रीम अपोनेंट भी वही रहेंगी। तो ये तो थी खास बातचीत कविता देवी से। उम्मीद करेंगे कि हम जल्द से जल्द उनको WWE मेन रोस्टर पर देखें और रेसल करते हुए वापस से सलवार कमीज में भारत की पहली महिला रेसलर हमें WWE के स्क्रीन पर दिखें। और जैसा इन्होंने बताया, ट्रायआउट्स एक सुनहरा मौका है भारतीय एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कि अपने हुनर का वो प्रदर्शन करें और बिग टिकट है जो अमेरिका के लिए, उसे भी जीत लें।